मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत बीजेपी के सभी मंत्री, सांसद और विधायक जनता तक पहुंच रहे हैं और मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों का ब्यौरा दे रहे हैं। इसी कड़ी में सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य और जिला भाजपा अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। विधायक रामलल्लू वैश्य ने कहा कि प्रदेश और देश में भाजपा के शासनकाल में चहुमुखी विकास हुआ है। भाजपा ने गरीब किसान सहित सभी के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। भाजपा ने हर व्यक्ति को सशक्त किया है। प्रधानमंत्री जी का 9 साल कार्यकाल ऐतिहासिक रहा, उसी तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राज्य में अपने कार्य करते हुए प्रदेश को अनेकों योजनाएं, चाहे वो सभी घूम फिर में धर्म के योजना की बात हम करें तो कमलनाथ की सरकार है, बंद कर दिया था, अभी उन्होंने चालू किया। बस से जाने के बाद हवाई जहाज से भी देखना शुरू कर दिया। इस तरह से हमारे किसान भाइयों को माता बहनों के प्रति जो उनका बोझ रहा है, श्रवण बंदे का भी कि भाई लोग नहीं दर्शन कर। भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने कहा कि इस देश में प्रधानमंत्री तो कई हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसा काम किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। राम मंदिर हो या धारा 370, सभी बड़े फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं। हमारा देश भारतीय संस्कृति के आधार पर चलने वाला देश रहा है। लोग राजनीति करते रहे, देश में शासन भी करते रहे, इसके पहले कई प्रधानमंत्री भी हुए, तो जो बड़े बड़े मुद्दे थे उस मुद्दों को कभी दूसरे प्रधानमंत्री ने छुआ नहीं। आपने देखा होगा कि कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर में धारा 370 भी समाप्त करेंगे, 35/1 भी हम समाप्त करेंगे, और देश में जो बहुसंख्यक समाज हमारा भारतवर्ष में लोग रहने वाले लोग हैं जिनकी आस्था भगवान राम से जुड़ी रही है और हमारे समाज के वो आराध्य रहे हैं, सभी हमारा देश का समाज उनको मानता रहा है, भगवान राम का मंदिर ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी रहा है। जब हमारी पूर्ण बहुमत सरकार आएगी, हम पूर्ण रूप से सरकार में आएंगे तो उस मुद्दे को हम ठीक करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।